से पूरे 219 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंडियन बाइक डम 3D वर्सेस इंडियन हैवी ड्राइवर, और उस वीडियो पे आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि मेरे को उसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। और इसके बारे में मैं काफी दिनों से सोच भी रहा था, लेकिन आज फाइनली हम लोग लेके आ चुके हैं इंडियन बाइक डम 3D वर्सेस इंडियन हैवी ड्राइवर पार्ट 2। और देखो यार, आपको तो पता ही है कि मेरा नाम है मैक्सर AKN, और जो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो भी आप लोगों को पता है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि दोनों ही गेम में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले इंडियन हैवी ड्राइवर में आप लोगों को उसका घर मेरे ख्याल से थोड़ा बदला लग रहा है, या फिर नहीं भी लग रहा, लेकिन यार मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में। बाकी हाँ, इंडियन बैगन सिटी में डेफिनेटली घर को चेंज कर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया गया है, जो की देखने में कैसा लग रहा है आप लोग देख सकते हो। काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, डिसेंट लगता है इंडियन बैगन सिटी का घर, सॉरी इंडियन बैगन सिटी में हमारे कैरेक्टर का घर काफी बढ़िया लगता है। बाकी इंडियन हैवी ड्राइवर में जब मैंने इसको लास्ट टाइम खेला था तो हम लोग किसी को मारते थे ना भाई, बहुत ही ज्यादा खून निकलता था, लेकिन अभी क्या मार ही नहीं सकते। अबे रुक जा, ऐसे ना मार नहीं, रुक जा, गन निकालता हूँ तेरे लिए। कहाँ गई? अरे भाई धक्के से मर गई क्या? मेरे को लगता है हमको पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है क्या गेम में? अरे भाई हमने किया क्राइम यहाँ पे, देखो। हेलो, मेरे ख्याल से जब मैंने इंडियन हैवी ड्राइवर को खेला था तब भी किसी NPC को मारने पे पुलिस नहीं आती थी। बाकी आज क्या है, लाइव डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे इस लड़की को मारता हूँ मैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई खून कितना ज्यादा निकला, लेकिन पुलिस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 219 दिनों में ये तो कुछ भी नहीं बदला, और पिछली बार भी हम लोग NPC की गाड़ी नहीं छीन सकते थे, और इस बार भी नहीं छीन सकते। यहाँ पे कहीं से भी गाड़ी की मैं बैठने का ऑप्शन नहीं आ रहा भाई। चलो इसको जाने दे, अभी बात करते हैं इंडियन बैगन 3D की। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी NPC को मारना चाहो तो बिल्कुल आराम से मार सकते हो भाई, स्मूथली। लेकिन हाँ, NPC को मारते आप लोग के पीछे पुलिस पड़ जाएगी। बाकी इंडियन हैवी ड्राइवर में आप लोग को फोन देखने को मिलता है, iPhone देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग चिट कोड डाल के कोई भी व्हीकल मंगवा सकते हैं। लेकिन इस फोन में आप लोग को 2 से 3 ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, जिनमें से आधे तो काम ही नहीं करते। और इस फोन से ना ही आप लोग गाड़ियों के कलर चेंज कर सकते हो, ना ही कोई मोडिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब गेम में आईफोन होने के बावजूद भी आप लोग गेम में सिर्फ चीट कोड ही डाल कर सकते हो। वहीं पे दूसरी तरफ आप लोग को इंडियन बैगन 3D में सिर्फ ये डब्बा फोन देखने को मिलता है, ये आईफोन तो नहीं है, लेकिन भाई इसमें आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। लिटरली भाई इस फोन से आप लोग मोडिंग कर सकते हो, गेम के अंदर चीट कोड डायल कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो गाड़ियों के, अपने वस्त्र चेंज कर सकते हो। वस्त्र बोले तो कपड़े, मतलब हिंदी में बोले तो भाई ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बाकी इंडियन हैवी ड्राइवर में तो मेरे को सारी की सारी चीजें सेम टू सेम देखने को मिली है, सिवाय इस ड्रैगन की। मतलब पिछले 219 दिनों के बाद मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को सिर्फ यही एक नई चीज देखने को मिली है, ये ड्रैगन। बाकी मजे की बात तो ये है कि हम लोग इसको उड़ा भी सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये मेरे को उड़ाना नहीं आता। लेकिन फाइनली जैसे तैसे मेहनत करके मैंने इसको उड़ा लिया है, और भाई ये अपने मुंह से आग भी फेंकता है। अरे बाबा! बाकी वहीं पे जानवर के मामले में इंडियन बैगन 3D में आप लोग को बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं, डायनासोर, उसके साथ कुत्ता, घोड़ा, और अभी तो स्पाइडर भी ऐड हुआ था। तो जानवर तो काफी सारे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कि हवा में उड़ के आग उगल सके। बाकी देखो यार, इंडियन हैवी ड्राइवर को मैंने खेला और मेरे को सारी की सारी चीजें सेम ही लगी लगभग। मतलब गेम में ज्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है इतने ज्यादा दिनों के बाद भी, लेकिन वहीं पे इंडियन बैगन 3D में तो भाई बहुत ही सारे चेंजेस आए हैं, बहुत ही सारे अपडेट आए हैं, और गेम काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका है। और अभी आप लोग भी सोच होंगे भाई इन दोनों ही गेम में से आखिरकार विनर है कौन, जीता कौन, कौन सी गेम ज्यादा बढ़िया है। तो देखो यार, वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग को कौन सा गेम ज्यादा बढ़िया लगता है। दोनों ही गेम का पर्पस तो एक ही है भाई, वो है एंटरटेनमेंट। और वैसे ही हमारी वीडियो का पर्पस भी है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। बाकी दोनों ही गेम अपनी अपनी जगह पे काफी ज्यादा बढ़िया है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग की कौन सी गेम ज्यादा फेवरेट है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।